हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में डिफरेंस क्या होता है, क्या हम इनको किस तरह से समझ सकते हैं। सो बिना देर किए हुए आइए हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस की बच्चों जब हम बात करते हैं, तो आप हमारे एवरीडे लाइफ में भी मोस्टली बहुत सारे चेंजेस आपको चारों तरफ देखने को मिलते हैं, और उन चेंजेस को हम फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज का नाम देते हैं। ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज की अगर आप बात करते हैं, तो फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिनमें सिर्फ स्टेट चेंज होती है, किसी भी तरह का न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। अगर आप केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो ऐसे चेंजेस जो आपको अपने चारों तरफ देखने मिलते हैं, लेकिन उनमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, परमानेंट चेंजेस होते हैं, उनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल चेंज होता है। तो दोज रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द रिएक्शन, वो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल चेंज होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंज आपको देखने मिलते हैं, उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, या केमिकल स्टेट जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। उसके साथ साथ उसका कलर चेंज हो सकता है, उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और उसमें से गैस इवॉल्व हो सकती है। तो ये चारों चेंजेस अगर आपको देखने को मिलते हैं, इसका मतलब उस सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होती है। और यहाँ पर हम कुछ कॉमन से एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आप जानते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये केमिकल चेंज कहलाते हैं। और इन चेंजेस में एक न्यू तरह का सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसलिए इन चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? अगर यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर तरीके से बात की जाए, तो हम अगर सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, तो वो ग्रे कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। इसी तरह से मान लीजिए, जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, और ये चेंज एक केमिकल रिएक्शन के रूप में आप देखते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं केमिकल रिएक्शंस को। या तो आप उसको वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखें, जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ या एयर में बर्न किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये जब हम वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखें, जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg एंड ऑक्सीजन का सिंबल O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO, तो अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी रिएक्शन का करते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इक्वेशंस अभी हमने पढ़ी। अभी इक्वेशंस को हम थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती है वर्ड इक्वेशन, जहां पर हम उनको वर्ड्स के रूप में लिख रहे हैं। दूसरी कहलाती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, जहां Mg और O2 हम लिख तो रहे हैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में, Mg प्लस O2 और बन रहा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर दोनों देखिए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम्स हैं, उनका नंबर इक्वल नहीं है, है ना। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, सिर्फ रिएक्शन वहां पर लिखी हुई है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए, तो फिर वो रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। एंड इन दिस रिएक्शन यू हैव सीन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर मैग्नीशियम के दो एटम्स हैं। अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन देखें, तो मैग्नीशियम का वन एटम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन दो एटम्स में है, ये भी मैग्नीशियम वन एंड ऑक्सीजन वन, इस तरह से ये एटम्स हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर नीचे वाली रिएक्शन में हम टू से मल्टीप्लाई कर दें Mg को, और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी टू है, और इधर भी हम टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 Mg एंड 2 ऑक्सीजन, ये जो रिएक्शंस है, इस तरह से बैलेंस हो जाती है, और इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन। अभी हम सीखेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट साइड। कोई भी रिएक्टेंट जो कि जैसे अभी हमने रिएक्शन देखी Mg+O2, इनको हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, प्रोडक्ट हमेशा लिखा जाता है राइट साइड में। क्लियर। दोनों के बीच में एरो पुट की जाती है, यानी जब भी इनको शो करना है हमें एक फॉरवर्ड एरो से शो करते हैं। इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उनके साथ उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन किया जाता है। उनके अंदर अगर किसी तरह की हीट चेंज होती है तो उसको मेंशन किया जाता है। इसके अलावा उनके जो कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस में वो रिएक्शन हो रही है, उन रिएक्शंस को उनके ऊपर एरो के ऊपर या नीचे मेंशन किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हम उसको मोर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर मेंशन करनी है तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं इस तरह से। जिंक सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 अगर हम डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं तो इसमें यहाँ पर DIL लिख देते हैं। इसी तरह से ZnSO4 ये क्या बन रहा है, लिक्विड है, और ये बन रहा है गैस। ये जो कंडीशंस हैं ये आपको बताती हैं कि जिंक सॉलिड स्टेट में H2SO4 डाइल्यूट स्टेट में लिया गया है, ZnSO4 लिक्विड स्टेट है और हाइड्रोजन गैस के रूप में इवॉल्व हो रही है। इसी तरह से हीट चेंज भी मेंशन किया जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट साइड में अगर हीट को लिखा जाता है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और अगर हीट मेंशन की जाती है रिएक्टेंट साइड में, दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसी तरह से कंडीशंस, जिन कंडीशंस में वो रिएक्शन हो रही है उसको अगर हम एरो के ऊपर लिखते हैं तो वो कंडीशंस होती हैं, जैसे KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है। तो हीट के लिए ये सिंबल है, ये ट्रायंगल एक इसका बना दिया जाता है। तो और भी रिएक्शंस हैं, जैसे आप फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, जो आपने लाइफ प्रोसेसेस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी थी उसमें आपने देखा कि एरो के ऊपर हमने क्या लिखा था, सनलाइट, और नीचे लिखा था हमने क्लोरोफिल। तो उस रिएक्शन में जो ये हमने मेंशन किया है ये उसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं। इस तरह से इनको हम मेंशन कर देते हैं। अब हम सीखते हैं बैलेंस ऑफ रिएक्शंस कैसे की जाती हैं, यानी रिएक्शंस को बैलेंस क्यों किया जाता है और रिएक्शंस बैलेंस किस तरह से की जाती हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्यों किया जाता है, उसका एक रीज़न ये है कि केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लॉज होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। उन लॉज के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ये उसका एक रूल होता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इनको इक्वल करने के लिए अगर हम इनके एटम्स के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों साइड के एटम्स का नंबर सिमिलर हो जाता है तो वो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है और वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, इसको फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एटम्स हैं उनको लिखना होता है। तो Mg हमने इधर लिख लिया, इधर हमने ऑक्सीजन लिख लिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो Mg एंड ऑक्सीजन की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Mg इधर 1 है, इधर देखें तो ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Mg 1 है एंड ऑक्सीजन भी 1 है। लिख सकते हैं आप, मेंशन कर सकते हैं इनको इस तरह से। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, अगर इस ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं ना, हमेशा किसी भी नंबर को हम कहाँ पर लिखते हैं, इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट या इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड, हमेशा ऐसे लिखते हैं, कभी उसके बीच में कोई भी नंबर शो नहीं करते हैं, उसको तोड़ते नहीं हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस तरह से नंबर हमेशा पुट किया जाता है। तो 2 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 Mg एंड O दोनों से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 × 2, ये ऑक्सीजन इधर 2 हो गई और मैग्नीशियम के साथ भी ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो गया। अभी देखिए ये बैलेंस हो चुके हैं दोनों साइड नंबर इक्वल हो गया है। Mg लेकिन इधर बैलेंस नहीं है क्योंकि Mg का नंबर 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 Mg यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसलिए ये Mg भी इधर इक्वल हो जाता है। तो ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। अब देखिए दूसरी, ये थोड़ी टफ रिएक्शन है या बड़ी रिएक्शन है, इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले HNO3 की बात करते हैं, CaOH whole twice, CaNO3 whole twice,
प्लस एच टू ओ। तो सबसे पहले हम एक ये जो पॉली एटम है इसको ले लेते हैं, एनओ थ्री। यहाँ पर एनओ थ्री वन है, इधर एनओ थ्री टू है, तो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर इक्वल हो जाता है। और इसको इक्वल करने के बाद H का नंबर आप काउंट करें, सी ए वन है, सी ए वन है, H देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इस वाले पार्ट में देखें तो 2H एंड इधर भी 2H, 4H हो गए। इसको कंप्लीट करने के लिए आप 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 4 ये हो गया कंप्लीट, एंड 2 इंटू ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आइटम्स हो गए, यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन 2 है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाती है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शंस को इजीली बैलेंस करना सीख जाएंगे। लास्ट में मैंने कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, आप उनको अपने आप प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके चैप्टर वन में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को लिखिए, उनको प्रैक्टिस करिए, और बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बैलेंसिंग बहुत ईजिली आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप से होती है, उन सारी रिएक्शंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में फिर दो पार्ट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सबको भी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसका सेकंड नेम जो सा कि हमने अभी देखा एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी चीज है, इसको आप कहीं से भी मिस ना करिए। एडिशन नाम से पता चल रहा है, ऐड हो रहा है कोई चीज, तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस तरह के रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होके ए बी बना रहे हैं, इस तरह की रिएक्शन एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर MgO बनाता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का एक गुड एग्जाम्पल है। कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये भी एडिशन रिएक्शन का एक गुड एग्जांपल है। तो एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, कोई भी रिएक्शन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। रिएक्शन दे देंगे, नाम पूछेंगे, नाम दे देंगे और आपसे रिएक्शन लिखवाएंगे, कुछ भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो इसको याद करना ना भूलें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ए सबस्टांस, कोई एक सबस्टांस वहां पर हम देख रहे थे दो ए प्लस बी मिलकर क्या बन रहा था, ए बी बन रहा था, यहां पर जो ए बी है वो डिवाइड हो रहा है ए प्लस बी में, ये डिफरेंस है। दोनों रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो व्हेन रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इन इट्स कंपोनेंट्स बाय हीट, सनलाइट और पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, द रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्टेंट जो कि कंपाउंड फॉर्म में है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी तरीके से, चाहे उसको हीट सप्लाई की जाए, चाहे उसको सनलाइट मिले, या उसको इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, या तो हीट सप्लाई कर रहे हैं या सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके बेसिस पर इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है थर्मल का मतलब होता है हीट, जब हीट सप्लाई की जाती है और ब्रेक डाउन होता है। फोटोलाइटिक का मतलब होता है सनलाइट, जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है और ब्रेक डाउन होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरह की रिएक्शंस को हम डिफरेंट नेम्स से जानते हैं और ये टाइप्स होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसकी टाइप्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसकी रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट डिस्कशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थ्री टाइप्स हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में होता है, किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है और वो डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ये देखिए
कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। दिस इज वन गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया था, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरेड आउट बाय सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड इसका एक गुड एग्जाम्पल है। इसको हम सनलाइट में जब एक्सपोज करते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्रे कलर चेंज हो जाता है इसका। तो सिल्वर क्लोराइड इज कन्वर्ट इन टू सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज यूज इन फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसके यूज के बेसिस पर भी इसकी रिएक्शन को पूछ लिया जाता है कि राइट द रिएक्शन विच इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी होगी और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड एंड डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए तो उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एसिडिक वाटर का। एसिडिक वाटर में जब हम करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं NaCl, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये Na+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस, ठीक है। एक गुड एग्जाम्पल मैं यहां पर देती हूँ, अच्छा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं और एक बच्चा ऐसे बैठा है और दूसरा बी एंड सी इस तरह से बैठे हुए, दो बच्चों का ग्रुप है। अब इस ए को यहां पर आना है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा या तो रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन मान लो इन्होंने रिक्वेस्ट अपनी नहीं मानी कि नहीं हम अपनी सीट चेंज नहीं करेंगे, उसको इसके पास ही बैठना है, तो वो क्या करेगा? अगर वो स्ट्रांग है तो वो इसको पुश कर देगा, यहाँ से किक लगा देगा, हटा देगा इसको अपनी जगह से। तो ये जो रिप्लेसमेंट कहलाता है स्ट्रोंगर एलिमेंट का वीक एलिमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। When highly reactive element, यानी जो ज़्यादा strong है वो displace करता है, यानी replace कर देता है less reactive element को उसके compound में से, ऐसी reactions को हम displacement reaction कहते हैं। For example, A plus BC, A को B की जगह पर आना है, उसने उसको push कर दिया तो ये AC plus B form हो जाता है। क्लियर। अब इसमें ए स्ट्रॉन्गर है इसलिए वो बी को पुश कर पाया है, लेकिन अगर बी स्ट्रॉन्ग नहीं है और बी स्ट्रॉन्ग है तो फिर ए उसको वहां से नहीं हटा पाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो पुश कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में NCERT में, वहां पर देखें कि एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है, उसके अंदर कुछ आयरन नेल्स को डाल दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है। ये आयरन नेल्स को डालने के बाद उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड अप हो जाता है, साथ में आयरन नेल्स के ऊपर एक लेयर आ जाती है कॉपर की, ठीक है। तो ये क्यों हुआ इसको समझिए। यहाँ पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर को वहां से पुश कर देता है, धक्का लगा देता है, हटो ये सीट मेरी है, ठीक है। और इसलिए कॉपर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है अपने सॉल्यूशन में से और FeSO4 बन जाता है आयरन के साथ। क्लियर हो गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है और इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में। अब भी देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लीजिए हम इस रिएक्शन को Fe के साथ ना करवा के कैसे करें, हम FeSO4 सॉल्यूशन में कॉपर डालें तब रिएक्शन क्या होगी। देखिए कॉपर लेस रिएक्टिव है Fe से, इसलिए ये इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इन दैट केस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी।
किस केस में? FeSO4 सॉल्यूशन से कॉपर Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात आती है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए स्ट्रॉन्ग बंदे ने लेस बंदे को हटा दिया बीट करके। यहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का, यानी एक दूसरे के साथ अपने आयंस या एटम्स और मॉलिक्यूल्स को शेयर कर लेते हैं या उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, वो रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती हैं। जैसे ए बी एंड सी डी दो सॉल्यूशंस हैं, इसमें से दोनों ने अपने अपने एक एक पार्ट को एक्सचेंज कर लिया, तो ए चला गया इधर और सी चला गया इधर, तो ये जो एक्सचेंज है इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों ने अपना अपना एक एक पार्ट एक दूसरे को दे दिया। तो इसका एक गुड एग्जाम्पल है Na2SO4 एंड BaCl2। ये दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के साथ जब मिलाए जाते हैं तो Na Ba की जगह पर आ जाता है एंड Ba जो होता है वो Na की जगह पर आ जाता है। इस तरह से ये रिप्लेसमेंट होता है और बन जाता है NaCl एंड BaSO4। तो ये रिएक्शन आपको इस तरह से मिलती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही होती है। दो सॉल्यूशंस को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो एक इनसॉल्यूबल जेली लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वो सब्सटेंस प्रेसिपिटेट कहलाता है। इसलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो एक वाइट कलर का इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है AgCl और उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो AgNO3 और NaCl, Na इधर चला जाएगा और Ag इधर आ जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो सकता है और वाइट पिट्टी यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ इफेक्ट, न्यूट्रल कर देना किसी के इफेक्ट को। तो व्हेन एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इस तरह की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करें। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में आपका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, वो हम फिर किसी और दूसरी वीडियो में बात करेंगे जहां पर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। यहां पर हम कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को, इसलिए सिर्फ इसके दो पॉइंट जो आपकी बुक में दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे, बाकी सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस के साथ या एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइंड होती है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एंड सेकेंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। किसी भी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब हीट किया जाता है तो वो हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन रिएक्शन की हम बात करें, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने बात की थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रही है, ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, ये रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या वो रिमूव हो जाती है, इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ हीट अप किया जाता है तो कॉपर
प्लस वाटर फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ये इसलिए यहाँ पर इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, जब किसी भी रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, हम बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभी पढ़ा, उसी के बेसिस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, MnO2 plus 4 HCl, MnCl2 plus HCl2 plus H2O। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, MnO2 ऑक्सीजन निकल रही है और ये ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है और ये कन्वर्ट हो रहा है इधर Cl2 में। ठीक है, तो अगर आप पिछली वाली स्लाइड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इस रिएक्शन में MnO2 से क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म MnCl2, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। समझ गए? HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात आपको क्या समझ आ रही है, यहां पर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर? तो ये आप लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिए, बाकी ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन मींस होता है कि डैमेज ऑफ मेटल्स ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कोई भी मेटल एक्शन ऑफ एयर या मॉइस्चर से या फिर केमिकल के इफेक्ट से कोरोड हो जाती है या डल हो जाती है या डैमेज हो जाती है, वो प्रोसेस कोरोजन कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आयरन के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन सब के अंदर जंग लग जाता है एंड इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये कोरोजन और भी मेटल्स में देखने को मिलता है जिनकी चमक शाइन डल हो जाती है, जैसे एल्यूमिनियम में भी होता है, कॉपर में भी होता है। तो कॉपर के जो आर्टिकल्स हैं वो आपने देखे हैं, मोस्टली कुछ टाइम के बाद वो ग्रीनिश ब्लू कलर के नजर आने लगते हैं, तो ये भी कोरोड होती है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। तो आयरन गेट्स कोटेड विद रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर एंड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। जब आयरन को लॉन्ग टाइम तक एयर वाटर में एक्सपोज किया जाता है, लंबे समय तक बाहर पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है और इसको हम कहते हैं रस्ट। और ये किस लिए, ये क्या कहलाता है, ये कोरोजन ऑफ आयरन कहलाता है। रस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है, इसको आप लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, रिएक्शन भी पूछी जा सकती है आपसे एंड रस्ट का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो Fe2O3.xH2O, यहाँ पर x इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट रस्ट। तो आयरन को जब ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है और इस तरह से रस्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, इस रस्टिंग को से बहुत सारा डैमेज हर साल इंडिया में होता है, उससे बचने के लिए या रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको पेंट कर दिया जाता है आयरन आर्टिकल्स को, उसको ग्रीस कर दिया जाता है या ऑयलिंग की जाती है, जैसा कि आपने मशीन्स में या साइकिलिंग में देखा है कभी कभी।
ऑयलिंग करनी पड़ती है या ग्रीस करना पड़ता है आफ्टर रेनी सीजन। इसी तरह से आपने पेप्सी वगैरह के जो बॉटल्स हैं उनको देखा है कि वो अंदर से गैल्वनाइज्ड होती हैं, यानी उनके अंदर जिंक की कोटिंग होती है। इसी तरह से क्रोम प्लेटिंग के थ्रू भी हम उसको रस्ट से बचा सकते हैं, जैसे कि साइकिल के हैंडल्स और रिम। इसी तरह से अगर हम एलॉयज बना लें मेटल्स के और नॉन मेटल्स के मिला के, तब भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं या कोरोजन को रोक सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि फूड मटेरियल विद कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जो भी फूड मटेरियल जिनके अंदर फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है, लॉन्ग टाइम तक अगर वो रखे रहते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं। इसका मतलब उनका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं। यानी कि ऐसे फूड मटेरियल जिनके अंदर ऑयल एंड फैट होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से उनकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए सब्सटेंसेस को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना चाहिए। उसके अलावा जो फूड आइटम्स हैं उनको टाइट कंटेनर्स में या एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके रखना चाहिए, जिससे कि वो डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में ना आ सकें। उससे हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मार्केट में मिलने वाले चिप्स या फूड पैकेट्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी एयर फिल होती है, आप देखते हैं वो फूले फूले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर रेंसिडिटी से बचाने के लिए उनको, या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बचाने के लिए, नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है उन बैग्स के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किसी ना किसी रूप में एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होगा? व्हाई नाइट्रोजन इज फ्लश्ड इन चिप्स पैकेट्स, गिव रीजन। क्लियर? सो ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पर मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रही हूँ, आप इनको ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। ये रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको उनके फॉर्मूले लिखने हैं और उनको बैलेंस करना है साथ में, तो वो आप करिए। उसके साथ ही मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट्स जरूर करिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।